आज विश्व संगीत दिवस है। यह दिन संगीत और संगीत प्रेमियों के सम्मान में मनाया जाता है। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में स्थित भारतीय संगीत सदन संस्थान में पिछले 60 साल से गीत और संगीत की निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। नागौर से प्रस्तुत है हमारे संवाददाता शबीक अहमद उस्मानी की खास रिपोर्ट। कुचामन जिले के भारतीय संगीत सदन संस्थान में संगीत से जुड़ी हर विधा का प्रशिक्षण दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक 60 के दशक में आचार्य विनोबा भावे कुचामन आए थे और इसके बाद से ही कुचामन के भारतीय संगीत सदन संस्थान की शुरुआत हुई। प्रशिक्षक और प्रधानाचार्य कथक गुरु नटराज बताते हैं कि प्रदेश के किसी भी जिले में इस तरह का संस्थान नहीं है जैसा कुचामन में है। वर्तमान में भारतीय संगीत सदन संस्थान कुचामन सिटी के अध्यक्ष कला प्रेमी नटवर लाल वक्ता हैं। शहर के जागरूक लोगों के समूह द्वारा यह संस्थान क्षेत्र के प्रवासियों और भामाशाहों के सहयोग से बखूबी से संचालित हो रहा है। शिक्षा जो देते थे वो निःशुल्क, बच्चे लोगों से कुछ चार्ज नहीं लेते थे और समर वेकेशन में कैंप लगता था। और आप जयपुर से लगा के जोधपुर तक इसके बीच में कहीं पर भी इस प्रकार से संगीत को बच्चों को सिखाना करना और हमारी जो व्यवस्था पर जो थी संगीत सदन के मेंबर्स इनका पूरा सहयोग रहा और मैं आशा करता हूँ कि और आगे बढ़ेगी। इसके साधक वर्ग ने पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े शहर हैं उनमें अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इसके साथ ही कुछ ऐसे साधक भी हैं जिन्होंने दुबई और नेपाल, थाईलैंड, वहाँ पर भी अपना जो भी साधक वर्ग है जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका प्रदर्शन किया है। हमें बहुत प्राउड है इस बात पर कि हमारे साधक वर्ग जो यहाँ शिक्षार्थी थे आज संगीत की सेवा इस क्षेत्र में कर रहे हैं और हमारा भी कुचामन का भी नाम हो रहा है। कुचामन के भारतीय संगीत सदन संस्थान से पिछले 60 सालों में हजारों लोगों ने निशुल्क गायन, वादन एवं नृत्य की शिक्षा ली है। क्षेत्र की प्रतिभाओं को तलाशने और बच्चों को मोबाइल से दूर करने के मकसद से हर साल ग्रीष्मकालीन अवकाश में यहां समर कैंप भी आयोजित किया जाता है। कुचामन के भारतीय संगीत सदन संस्थान के जरिए संगीत की शिक्षा लेने वाले साधक आज संगीत की विभिन्न विधाओं में पारंगत होकर देश प्रदेश में क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। संगीत जो भी सिखाया जाता है संगीत में हर क्षेत्र में तबला, गिटार, वादन, गायन सभी निशुल्क है और मैं यहाँ का बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ और यहाँ 2012 में शुरुआत मैंने यहाँ से की थी। उसके बाद में अभी तक मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे स्तर पर और यहाँ पर म्यूज़िक में संगीत में पढ़ाई भी करवाई जाती है। समर कैंप जो हम कई वर्षों से चला रहे हैं, समर कैंप के अंदर बच्चों को क्या है मोबाइल का उपयोग नहीं करें और यहाँ पर सीखें उसका संयोजन भी हम कर रहे हैं और इसके अंदर कई उपलब्धियाँ होती है और बच्चों को जो है समर कैंप के अंदर बहुत अच्छा जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। कथक कलाकार कथक का देते हैं, इसी तरह से जो है गायन, वादन, नृत्य सभी के अलग अलग जो है प्रशिक्षक रखे जाते हैं। संगीत से जुड़े सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नगर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन इस सदन द्वारा ही होता है। यह सदन जयपुर और जोधपुर के बीच संगीत को समर्पित एकमात्र संस्थान है जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों साधक वर्ग नियमित साधना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।